लखनऊ से खबर आ रही है, मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार लिस्ट तैयार। कॉल डिटेल के आधार पर लिस्ट तैयार हुई, दिल्ली एनसीआर के कई लोग लिस्ट में शामिल। यूपीएसटीएफ की रडार पर कई संदिग्ध लोग। यूपीएसटीएफ जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा, मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर लिस्ट तैयार की गई है, कई नाम उसमें शामिल हैं। नोएडा दिल्ली एनसीआर के कई लोग लिस्ट में शामिल हैं। यूपीएसटीएफ की रडार पर कई संदिग्ध लोग। मुर्तजा जो है उसने फोन का डाटा डिलीट कर दिया था, उसके बाद उसकी फोन की सीडीआर निकाली जा रही है, उसके बाद अब सामने आ रहा है किसकी जो कॉल डिटेल है उसमें कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ निकलकर अब सामने आ रहा है, और भी लोग सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम मुर्तजा की बात करते हैं, जिस तरीके से एटीएस लगातार आज पूछताछ कर रही है, लखनऊ आई है एटीएस, सुबह ही लखनऊ ले आई थी और सबसे जो है पूछताछ कर रही, कई बड़े खुलासे होने के आसार नजर आ रहे हैं। जो तार जुड़े हुए काफी लखनऊ से लेकर उसके नोएडा तक, हर जगह तक तार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, वो कई जिलों से कनेक्शन देखने को मिल रही है, लगातार उसको जो है वो छानबीन कर रही कि आखिर मुर्तजा के कनेक्शन कहां से थे और किन जिलों से लेकर के उसकी फंडिंग होती थी, कैसे उस कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ता था। हालांकि जिस तरीके से जब मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद से जो उसकी मोबाइल की जो डिटेल्स थी वो उसने डिलीट कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एडीएस की पुलिस है वो सीडीआर निकाल करके चीजों को खंगाल रही है कि आखिर कौन से दस्तावेज कहाँ पे मिले हैं और उसको आधार बना करके पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। जी संदीप, जैसा सामने आ रहा है दिल्ली एनसीआर में कई नाम सामने आ सकते हैं, क्या विदेशी कनेक्शन भी मुर्तजा से जुड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं तो एटीएस के ने अभी थोड़ी देर पहले पूछताछ में ये भी बताया था कि जो सूत्रों के हवाले से निकल के जानकारी आ रही थी कि जो फंडिंग हो रही है वो विदेशों से हो रही है, इसके साथ साथ दिल्ली का एनसीआर का जो इलाका है, जो जिले हैं, उन जिलों से भी इनके तार जो है जुड़े होने के संदेह बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पश्चिम के कुछ जिले जो ऐसे हैं जहां पे जो लगातार सक्रिय रहे हैं वहां से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पे एटीएस की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है। जांच करने के बाद चीजें जब निकल के आएंगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है और कितनी फंडिंग कौन करता था और किस विदेश से अगर फंडिंग होती थी कि कहां से फंडिंग होती थी। जी, कुल मिलाकर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई संदिग्ध जो हैं वो इस वक्त रडार पर हैं। शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। मुर्तजा से पूछताछ में कई नाम सामने आ रहे हैं, बहुत जल्द उनका खुलासा हो सकता है।